अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ कोकोनट बॉल्स, चॉकलेट कोकोनट बॉल्स सिखा रही हूँ। इसके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बताती हूँ मैं आपको। कोकोनट चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, ये गार्निश के लिए ड्राई कोकोनट है, ये देखें इस टाइप का ड्राई कोकोनट गार्निश के लिए है। चॉकलेट चाहिए मुझे, बेकिंग चॉकलेट चाहिए, आपने 150 ग्राम चॉकलेट लेनी है। और ये गार्निश के लिए मेरे पास चॉकलेट चिप वो हैं, स्प्रिंकल्स हैं, और ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स हैं हमारे पास। कंडेंस मिल्क है कोकोनट के, मैंने 2 कप लिए हैं भर के। और ये मेरे पास कपकेक के जो मोल्ड होते हैं ये वो हैं, केस हैं, इसमें हम इसको गार्निश करेंगे। और आप बनाना शुरू करते हैं। मैं अपनी चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ माइक्रो में रख के, इसके अंदर ज़रा सा आप कंडेंस मिल्क डाल के उसको हम उसमें माइक्रो में रख के मेल्ट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करते हैं। ये देखें जी, हमने अपनी चॉकलेट जो है मेल्ट कर ली है। मेल्ट करने के बाद ही कोकोनट पाउडर में सारी चॉकलेट डाल देते हैं। सारी चॉकलेट डालने के बाद इसके अंदर आप बाकी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। हम अपना कोकोनट कोको पाउडर है हमारा जो, ये डाल देते हैं। डालने के बाद इसके अंदर हम अपना ये जो हमारे पास कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क आपने इसमें इतना डालना है कि ये बाइंड हो जाए, बस इतना डालना है हमें ना। शुगर फ्री लेंगे तो आप इसके अंदर चीनी ऐड कर लीजिएगा 1/2 कप, और अगर आपका कंडेंस मिल्क शुगर का है तो वो उसमें फिर आपको ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। तो इसको अब हम मिक्स करते हैं। बस इसमें आपने 5 टेबल स्पून डालने हैं कंडेंस मिल्क के ना, तो इसको ऐड मैं मिक्सअप करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये मैंने मिक्स कर लिया है सारा ना, इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल के 5 से 6 टेबल स्पून आपके इसके अंदर कंडेंस मिल्क के चले गए हैं। अब ये ऐसी बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है। अब आपने इसकी बॉल्स बनानी है, ये देखें इस तरह बॉल्स बनानी है। इसको बना के ज़रा सी देर, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम आप इसको फ्रिज में रख दें। ये देखें इस तरह बॉल्स बनाने के बाद इसे कोकोनट में डिप कर रहे हैं हम, फिर इसको इसके ऊपर रख दिया। फिर बॉल बनानी है आपने, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी बड़ी उसको बनाना चाहते हैं। ज़रा सी देर फ्रिज में रख दें ताकि ये हार्ड हो जाएगा। मैं बनाने के बाद रख दूँगी क्योंकि मुझे अभी दिखाना है आपको, वरना ये कि इसको रखें तो वो इजीली आपकी सारी चीज़ें बनने में बाइंडिंग उसकी अच्छी होगी। ये आपकी चॉकलेट इसकी मल्टी की हो गई है। मैं आपको ये 3 बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं बाकी बना के आपको सारी दिखाती हूँ। करने के बाद अब चॉकलेट के उसमें डाल देते हैं स्प्रिंकल्स में। इस तरीके से चॉकलेट की भी हो गई, कोकोनट की हो गई, और मल्टी स्प्रिंकल्स हो गए। मैं बाकी सारे ऐसे ही बनाती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ जी। ये देखें, मैंने इसको ना गार्निश कर लिया कोकोनट से, इसको कोकोनट से किया है, इसको मल्टी कलर से किया है, और इसको चॉकलेट से किया है। तो आप भी इसको ज़रूर ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, ताकि आप फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगे चॉकलेट कोकोनट बॉल्स। तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा और बना के, और मुझे इसके फीडबैक दीजिएगा प्लीज़ कि आपको कैसे लगे हैं, बच्चों को कैसे लगे। तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।